नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव। मैं हूं आपके साथ दुर्गेश। खबरों की शुरुआत करते हैं। हरिद्वार गुरुकुल महाविद्यालय में दो पक्षों में चल रही वर्चस्व की जंग अब गुरुकुल से निकलकर बाहर आ गई है। कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक और भाजपा विधायक स्वामी यतीश्वरानंद के नेतृत्व में वर्चस्व की जंग लड़ रहे दो गुटों का आंदोलन अब आर्य समाज और भारतीय किसान यूनियन और मदन गुट का आंदोलन बन गया है। देश भर से हजारों की संख्या में आए आर्य समाज के संतों और किसानों ने गुरुकुल महाविद्यालय से सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय तक हुंकार रैली निकाली। रैली में शामिल हजारों आर्य समाज के संतों ने कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक पर भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप लगाया और राज्य सरकार को हस्तक्षेप कर इस मामले को सुलझाने की मांग की। उन्होंने कहा कि आर्य समाज की संस्था को खुर्द बुर्द नहीं होने दिया जाएगा। वहीं मदन गुट के लोगों ने विधायक स्वामी यतीश्वरानंद की सीबीआई से जांच कराने की मांग की। उत्तराखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में कोई नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। बंशीधर भगत ने विपक्ष पर नेतृत्व परिवर्तन की अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कोई हाथ नहीं है। हरिद्वार में आयोजित बीजेपी मंडल अध्यक्ष प्रशिक्षण वर्ग कार्यक्रम की समाप्ति के बाद प्रेस वार्ता कई बंशीधर भगत ने कहा कि उत्तराखंड में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा। मुख्यमंत्री पद पर त्रिवेंद्र सिंह रावत ही कायम रहेंगे। त्रिवेंद्र सिंह रावत के नेतृत्व में पार्टी अगला विधानसभा चुनाव लड़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि विपक्ष जानबूझकर राज्य में राजनीतिक अस्थिरता फैलाने के लिए मुख्यमंत्री के बदलने की साजिश की अफवाह फैला रहा है। उन्होंने सरकार के मुखिया को बदलने की सभी बातों को कोरी अफवाह बताते हुए खारिज कर दिया। देखिए, ये शिविर कोई सत्ता परिवर्तन पर चर्चा के लिए नहीं था। ये शिविर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कैसे पार्टी मजबूत हो, कैसे हमारा बूथ प्रबंधन ठीक हो, कैसे हम 2022 को दोबारा से चुनाव जीते, इस पर चर्चा थी। मंडल के विस्तार की चर्चा भी यहाँ पर नहीं हुई, लेकिन मेरा अपना मानना है, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि उन्होंने बात कर ली है, तो ये मंत्रिमंडल का विस्तार जल्दी होगा। अब ये बजट सत्र से पहले होगा या बाद में होगा, ये कहने का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री 22 के लिए भारतीय बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने इन अफवाहों को खारिज करते हुए बताया है कि सीएम का चेहरा केवल त्रिवेंद्र सिंह रावत रहे हैं। साथ ही उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो अफवाह फैलाकर लोगों को गुमराह कर रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत ही 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे और पार्टी उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान दूसरे दिन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए प्रेरित किया। इस शिविर में उत्तराखंड के सभी 13 जिलों के मंडल अध्यक्षों के साथ साथ जिला अध्यक्षों ने भाग लिया। मंडल अध्यक्षों की संख्या 252 रही, जबकि 14 जिला अध्यक्ष इस शिविर में उपस्थित रहे थे। इस शिविर में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, हरक सिंह रावत सहित प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बंशीधर भगत समेत कई आला नेताओं ने भाग लिया। दस दिन पहले हरिद्वार के उपनगर कनखल में पहाड़ी बाजार में स्थित स्वर्गीय रोशन लाल के मकान में दिन दहाड़े उनकी पत्नी श्रीमती आशा रानी वोहरा की हत्या कर दी गई थी, लेकिन इतने दिनों बाद पुलिस को कोई सुराग हासिल नहीं हुआ। ऐसे में पुलिस के इस लचर रवैये से गुस्साए मृतका के परिजनों ने कनखल थाने का घेराव कर लिया। इस दौरान बड़ी तादाद में महिलाएं शामिल रहीं। उन्होंने साफ तौर पर पुलिस पर ढीला रवैया अपनाने का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनका परिवार खौफ के माहौल में जीने को मजबूर है। वहीं पुलिस का कहना है कि हम जांच में जुटे हुए हैं, जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। मेरी माँ है वो, क्या 10 दिन हो गए, 10 दिन पहले मेरी माँ को खुलेआम मार गए 11 बजे वीरवार को पिछले, और अभी तक ये कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं। इन्होंने मिल गया सब कुछ, इनको हेलमेट पहनी हुई है, लोकेशन क्यों नहीं चेक कर रहे? जब बस अड्डा पे इन्होंने चेक कर लिया कि बस अड्डे पे वो इंसान उतरा है, उसके आगे की लोकेशन क्यों नहीं है? लोग बस कुछ नहीं, हमारे को मांगे इंसान को, क्या ढूंढो उसको, ढूंढो हमारे को, जब फिर दहाड़े हमारी माँ को मार गया, हमारा भाई भी सेफ नहीं है, फिर यह कौन सेफ है? हमें तो अपने घर चले जाएंगे, कौन सेफ है, कौन गारंटी लेगा उनकी? ये अभी 13 तारीख को पहाड़ी बाजार में एक महिला अपने घर में मौजूद थी और उसकी बॉडी मिली वहाँ से, और उस महिला के घर के आजू बाजू ही उसके सभी परिजन के मकान थे, और जब उसका पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें पता लगा उसका गला दबाकर हत्या की गई है।
ये मामला काफ़ी पेचीदा है और चूंकि ये बहुत क्लोज लोकेलिटी का मामला था तो इसमें थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो रहा है हमारा खोलने के लिए इसको मर्डर को, तो ये इसी कारण से इनके परिजन यहाँ पे आए थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो आज इनको समझाया गया कि भाई इसमें काफ़ी एंगल हैं और सभी एंगलों पे पुलिस काम कर रही है जिसपे इसी कारण से। हरिद्वार में महाकुंभ 2021 के सफल आयोजन के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। इसी को लेकर मेलाधिकारी दीपक रावत ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। मेलाधिकारी ने कुंभ मेला कार्यों की प्रगति की मॉनिटरिंग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा। मेलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि जिन कार्यों के प्रतिबंध हो चुके हैं और जितने कार्य हो चुके हैं उनकी समीक्षा बैठक की गई है। महाकुंभ शासन प्रशासन और पुलिस के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है और यही वजह है कि कुंभ के सफल आयोजन के लिए बैठकों का दौर लगातार जारी है और अधिकारियों द्वारा कुंभ मेले के लिए चल रहे कार्यों की समीक्षा की जा रही है जिससे महाकुंभ का सफल आयोजन हो सके। कर रहा था जो हमारे काम सैंक्शन हो चुके हैं अभी तक जिनके जीओस भी हो गए हैं उनकी फील्ड पे क्या प्रोग्रेस है, इसको हम हर हफ्ते इनफैक्ट मैं डिपार्टमेंट्स का इसको रिव्यू करता हूँ। तो वो तो इसका एक पार्ट था, इसमें कुछ काम ऐसे हैं जो उन पर थोड़ा अभी हमें मेहनत करनी पड़ेगी, काउंट पटरी पे थोड़ा मेहनत की आवश्यकता है, धीरे चल रहे वाला काम। आस्था पथ का काम भी अभी केवल मोबिलाइज हुआ है उसको भी तेज करने की आवश्यकता है। इसी तरह से पीडब्ल्यूडी का एक वर्क है, सिडकुल भाद्राबाद जो हमारा मार्ग है वो थोड़ा धीरे चल रहा है, बाकी जो काम है उनकी प्रोग्रेस अच्छी है। और दूसरा पार्ट जो बैठक का था वो इसको लेके था कि जो अब मेला शुरू होगा उससे पहले हम बहुत से काम ऐसे कराते हैं जो कि टेम्पररी नेचर के होते हैं जो मेले के बाद फिर हटाए जाते हैं। सीए और एनआरसी के विरोध में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार में जमकर प्रदर्शन किया। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए शहर से लेकर देहात तक भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। पुलिस की भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं पर पैनी नजर रही। कार्यकर्ताओं ने राजधानी देहरादून समेत रुड़की, मंगलौर, झबरेड़ा, कलियर, हरिद्वार और ज्वालापुर में जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान शहर से लेकर देहात तक पुलिस ने स्थिति को संभाला। हरिद्वार में भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के जरिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने कहा है कि केंद्र सरकार कानूनों को जबरन लोगों पर थोप रही है, लोगों के साथ ही ये जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है तो कार्यकर्ता आंदोलन को तेज करेंगे। आर्मी है उनकी तरफ से एक प्रदर्शन ऑर्गेनाइज किया गया था जो अभी बिल्स करंट इश्यूज चल रहे हैं उसके विरुद्ध। तो यहाँ पे अभी सुबह 11 बजे के करीब 150 से 200 लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए थे और उसी मतलब बिल के विरुद्ध उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया था। फोर्सेस यहाँ पे हमारी पूरी पर्याप्त थी, पहले से हम लोग रेडी थे। यहाँ पे हमारे लोकल पुलिस स्टेशन की फोर्स थी और हमारी पीएसी थी, उन सबके जवान तैनात थे यहाँ पे। और अभी 12:15 बजे के करीब उन्होंने एसडीएम मैम को अपना ज्ञापन अर्पित कर दिया है और अभी सब शांतिपूर्वक निपट गया। प्रमोशन में आरक्षण बरकरार रखने के साथ ही भर्ती रोस्टर में पहला पद आरक्षित रखने के लिए एससी एसटी एम्प्लॉयज फेडरेशन के कर्मचारियों ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने शांतिपूर्ण मार्च निकालते हुए डीएम के जरिए राष्ट्रपति और राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। उनका कहना है कि कुछ लोग इससे संविधान से मिले अधिकारों को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं, इसलिए कर्मचारी सरकार तक आवाज पहुंचाने के लिए सांकेतिक धरना दे रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि भर्ती रोस्टर की व्यवस्था को जानबूझकर बदला गया है जबकि इसके लिए किसी ने मांग नहीं की है। का तो मतलब ही नहीं है, यदि सरकार नहीं मानती है तो यह सरकार का जुल्म होगा अनुसूचित जाति जनजाति समाज पर, क्योंकि आरक्षित पर का ये आरक्षण एक कंसेप्ट है, आरक्षण एक प्रतिनिधित्व का साधन है, प्रतिनिधित्व होना ही चाहिए इस समाज का सरकारी नौकरी में, चाहे वो नंबर एक की क्लास ग्रुप क्रॉ की सेवा हो या फिर चतुर्थ श्रेणी की सेवा हो। इसलिए सरकार अगर नहीं मानती है तो सीधी सी बात है कि सरकार जो है किसी एक पक्ष की बात सुन रही है, हमारे सामान्य वर्ग के जो कर्मचारी भाई हैं उनकी बात सुन रही है, उनके दबाव में है, जो कि हम सरकार पर दबाव नहीं बनने देंगे और हम भी सरकार पर दबाव बनाएंगे। नहीं तो हमारे पास बहुत विकल्प हैं कि हम किस तरह से अपनी बात उनको बनवा सकते हैं। हम किसी तरह से इन आंदोलनों के माध्यम से, धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी सरकार से निवेदन ही अभी कर रहे हैं कि वो हमारी संवैधानिक मांगों को माने और पदोन्नति में आरक्षण को बहाल करे। टिहरी में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष राकेश राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस हाईकमान का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं का भी आभार जताया और कहा कि उनका कर्तव्य है कि वो हर बूथ पर जाकर कार्यकर्ताओं को तैयार करेंगे जिससे आने वाले 2022 के चुनाव में कांग्रेस विजयी हो सके। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस तैयारियों में जुट गई है जिसको लेकर सभी पार्टियां जनता को रिझाने का काम कर रही हैं। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के समय में महंगाई और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि जनता त्रस्त हो गई है।
नौजवान साथी, हमारी महिला कांग्रेस युवा कांग्रेस एनएसआई के साथियों की तरफ से सबसे पहले मैं आपके माध्यम से अपने प्रदेश हाईकमान का उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष आदरणीय प्रीतम सिंह जी का मैं अंतर मन से धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे प्रदेश हाईकमान के सभी वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी कि टिहरी के जिलाध्यक्ष के पद पर जो मुझे जिम्मेदारी दी गई, मैं उसके लिए उनका बहुत अंतर मन से धन्यवाद करना चाहूँगा। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत कोटद्वार के पनहाली गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान तीरथ सिंह रावत ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कई स्थानीय मुद्दों समेत कणाश्रम और हाईवे के विस्तारीकरण को लेकर चर्चा की। तीरथ सिंह रावत ने बताया कि जो भी समस्याएं सामने आई हैं उनका जल्द ही निस्तारण किया जाएगा। एनुअल फंक्शन में आया हूँ, यहाँ कार्यकर्ताओं से बातचीत हुआ, रूबरू हुआ और कुछ समस्याएं सामने मेरी यहाँ की आई हैं। एक तो अपने यहाँ का ट्रेन की समयबद्धता आदि बात आई दिल्ली का, और दूसरा कर्णाश्रम को लेकर के उसका विस्तारीकरण होना, भारत की भूमि रही है और उस कैसे उसको भी मैंने दिल्ली के अंदर पार्लियामेंट के अंदर लाया हूँ, और साथ ही रोड का सड़क का मामला है नजमात से लेकर कोटद्वार और पौड़ी का, इसका विस्तारीकरण होना, ऐसे एक बहुत सारे इशू और मुद्दे, इनको लेकर के कैसे इन पे आगे अंजाम तक पहुँचे हैं, तो ये विषय आए हैं और इनको निश्चित रूप से निराकरण करेंगे। चमोली में मौसम का रुख बदलने से औली में जमकर बर्फबारी हो रही है। सैलानी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी जमकर हो रही बर्फबारी से औली में सीजन की 20वीं बर्फबारी हो रही है। औली में चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जम गई है। पहले भी औली में 6 फीट बर्फ जमा हुई थी। बर्फबारी के बीच सैलानी मस्ती कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, औली में एक बार फिर भयंकर बर्फबारी हुई है और यहाँ पर मौसम का रुख बदला है, जिससे सैलानियों में खुशी की लहर है और हर तरफ बर्फ की चादर देखने को मिल रही है। सीमांत जिले चमोली के चीन तिब्बत तटीय भारतीय सरहदी सीमाओं की रखवाली का जिम्मा संभाले भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की पहली बटालियन के हिमवीर जवान अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन बखूबी निभा रहे हैं। पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट फिट इंडिया के तहत आईटीबीपी जवानों ने बुजुर्गों और स्कूली बच्चों समेत सभी ने 7 किलोमीटर दौड़ लगाई और युवाओं को फिट रहने का संदेश दिया। चमोली में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जिला चिकित्सालय गोपेश्वर में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 200 से अधिक नेत्र रोगियों की जांच की गई। शिविर में 140 रोगियों का ऑपरेशन होना है। शिविर के पहले दिन डॉक्टर चित्र सिंह द्वारा 50 लोगों का सफल ऑपरेशन किया गया। बता दें कि 1 साल बाद नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिस कारण लोगों की शिविर में भीड़ लगी। ट्रेनिंग किए हुए और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हर महीने हम यहाँ पे शिविर नेत्र शिविर लगाए और लोगों का ऑपरेशन करें। उत्तरकाशी के नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में 24 और 25 फरवरी को 2 दिवसीय माउंट समिट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। माउंट समिट कार्यक्रम का उद्घाटन सुबह के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत करेंगे। वहीं नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में यह पहला प्रयास होगा जब देश विदेश के पर्वतारोही एक मंच पर प्रदेश के साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही इस समिट की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि आज भी इनर लाइन जैसी बाधाएं जनपद में हैं, इसलिए इस कार्यक्रम में पर्वतारोहियों को इनर लाइन संबंधी जानकारियों से भी अवगत कराया जाएगा। साथ ही जनपद में ट्रैक रूटों की खोज और उनके विकास पर भी चर्चा की जाएगी, जिससे कि जनपद में साहसिक पर्यटन की संभावनाओं को बढ़ावा मिल सके। गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत होने वाले चोटी आरोहण अभियान के दौरान वन विभाग के कौन से नियम प्रभावी होते हैं, इन नियमों के साथ कैसे चोटी आरोहण को बढ़ावा मिल सके, इन सभी मुख्य विषयों पर चर्चा की जाएगी। समिट हम NIM के सहयोग से कर रहे हैं, NIM में ही इसे आयोजित किया जा रहा है और इस में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया जाना प्रस्तावित है और हमारी कोशिश यह है कि स्वरोजगार के माध्यम के तौर पर ट्रैकिंग एंड माउंटेनियरिंग बिजनेस को बेहतर तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश की जा रही है, मेडिकल से रिलेटेड हो या आपका फॉरेस्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, किस तरीके के फॉर्म्स भरे जाने हैं, होम स्टे की फैसिलिटीज़ या लोन्स वो कैसे ले सकते हैं या फिर आप
आपका इनहेलन परमिट और थुराया सेट के यूज को लेके जो भी रेस्ट्रिक्शंस हैं उन सारी चीजों को लेकर हम जो लोकल लेवल पे या ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे लोग हैं, यूथ हैं, उनको एक ट्रेनिंग या एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें ताकि वो बेहतर तरीके से काम करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकें। टिहरी के प्रताप नगर स्थित ओणेश्वर महादेव मंदिर परिसर में आयोजित दो दिवसीय पर्यटन सांस्कृतिक और विकास मेले का समापन किया गया, जिसमें सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिरकत की। सीएम ने ओणेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की और मंदिर परिसर में नवनिर्मित पंडाल का लोकार्पण किया, साथ ही जनता को संबोधित करते हुए कई घोषणाएं की। सीएम ने ओणेश्वर मंदिर का सौंदर्यीकरण, लंबगांव में पार्किंग निर्माण, जाखणी धार में मोटरमार्ग का निर्माण समेत कई घोषणाएं की। सीएम ने कहा कि डोबरा छाठी पुल का निर्माण कार्य जल्द ही पूरा किया जाएगा। पुल के बन जाने से क्षेत्रीय जनता को आवागमन में सुविधा होगी। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक प्रदेश के प्रत्येक गांव को सड़क से जोड़ने का लक्ष्य रखा है, जिनका निर्माण कार्य गतिमान है। इसके अलावा राज्य के प्रत्येक गांव के हर घर को विद्युत से जोड़ना, राज्य को खुले में शौच से मुक्त करने में सफलता हासिल की। सरकार राज्य से स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने की कार्य प्राथमिकता से कर रही है। भूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के अपनी अलग परंपरा है और यहाँ के प्रत्येक गांव का अपना एक कुल देवता होता है, जो किसी न किसी भगवान के रूप में ही पूजा जाता है। वैसे ही टिहरी जिले के प्रताप नगर ब्लॉक के देवल गांव में भगवान शंकर का मंदिर है, जिसका विशेष महत्व है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ पे इस मंदिर को शिवालय के रूप में पूजा जाता है। यहाँ एक ऐसा शिवालय है जिस पर सीधे कोई जल या पूजा सामग्री नहीं चढ़ा सकता है। वेद पुराण और शास्त्रों में भी ओणेश्वर महादेव मंदिर के महात्म्य के बारे में बताया गया है। यहाँ ने संतान दंपतियों को संतान सुख मिलता है और यहाँ देश के कोने कोने से श्रद्धालु पहुंचते हैं। टिहरी में बांध प्रभावित कई परिवारों को जोड़ने वाला स्यासू भेंगा झूला पुल जर्जर हालत में है और लापरवाह पीडब्ल्यूडी विभाग सब कुछ जानकर भी अनजान बना हुआ है। बता दें कि पुल काफी जर्जर हो चुका है, जिससे कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं चारधाम यात्रा भी इस जर्जर पुल से होकर गुजरती है। टिहरी और प्रताप नगर को जोड़ने वाले स्यासू भेंगा पुल की बदहाल स्थिति का आलम यह है कि कई जगहों पर जालियों की बोर्डिंग टूट चुकी है तो कहीं जालियों में लगे नट बोल्ट गायब हैं। पुल के बीच में दो जालियों को जोड़ने के लिए पीडब्ल्यूडी द्वारा तार लपेटकर काम चलाया जा रहा है, जिससे कोई बड़ा हादसा कभी भी हो सकता है। ध्यान आकर्षित करने का काम मैंने ही किया था। मैं जब उधर से गुजर रहा था तो मेरे साथ तिवाड़ गांव के प्रधान जी थे, विनोद रावत जी, तो मैंने उन्हें कहा था ये फोटो खींच के जरा व्हाट्सएप पर डालिए और इस स्थिति से जिले के अधिकारियों का ध्यान आकर्षण किया जाए कि वो जर्जर हालत में है और उसकी तत्काल मरम्मत की जानी चाहिए। और मेरा अधिकारियों से अनुरोध है कि ऐसे गंभीर मामलों में किसी भी तरह की लेट और लतीफी नहीं होनी चाहिए और जिन लोगों की लापरवाही की वजह से कभी कोई घटनाएं या ऐसी चीज हो जाए तो उनके प्रति कार्रवाई की जानी चाहिए। राज्य सरकार के आदेश के बावजूद विधानसभा में मंत्रियों के जनता दरबार न लगाए जाने पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि मंत्रियों को बैठना चाहिए, दूर दूर से जनता मंत्रियों के पास आती है, ऐसे में मंत्रियों के न मिलने पर जनता को निराशा होती है। बता दें कि राज्य सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है, हर बुधवार और बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री और सभी मंत्री विधानसभा में जनसुनवाई करेंगे। आदेश के बाद पहले दिन एक भी मंत्री विधानसभा नहीं पहुंचा, दूसरे दिन सिर्फ एक कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ही जनसुनवाई में पहुंचे, जिसको लेकर जनता मायूस हो गई। मैं तो वैसे भी पहले से भी हफ्ते में संभव तो 3-4 दिन बैठता ही बैठना चाहिए। अच्छी बात वो है, मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि भगवान मंत्रियों को बैठना चाहिए, क्योंकि तमाम पूरे प्रदेश से लोग मंत्रियों पर आते हैं और उसमें मंत्रियों का न मिलना कहीं ना कहीं जो दूर से आए हुए लोगों को कष्ट देता ही है। मैं कल भी रात 9:30 बजे तक बैठा हूँ, 9:30 बजे रात तक मैं बैठा हूँ। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, आप बने रहिए हमारे साथ।